नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। अगर आप एक भारतवासी हैं तो एक नहीं बल्कि तीन बड़ी खबरें आप सभी के लिए निकल के सामने आ चुकी हैं और देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है आप सभी के कर्फ्यू को लेकर। कहाँ पर कितने बजे कर्फ्यू खत्म किया जाने वाला है, इसकी सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ में आप सभी को बता दें, सभी किसान, सभी बेरोजगार, सभी मजदूरों को सीधे बैंक अकाउंट में 11,000 रुपए किस तरीके से मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। साथ में आप सभी को बता दें, कोरोना वायरस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि अभी-अभी इसका इलाज पूरी तरीके से ढूंढ लिया गया है। तो चलिए एक-एक करके सारी जानकारी आप सभी को बताएंगे, आज की देश दुनिया की बड़ी खबरें आप सभी को बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को दबा लीजिए, जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे। साथ में वीडियो को एक लाइक कर देना, जिससे हमारी मेहनत सफल हो जाए। अगर आप एक भारतवासी हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखना, अन्यथा वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत ही बड़ी-बड़ी खुशखबरियां निकल के सामने आ चुकी है। पहली चीज तो कर्फ्यू खत्म होने जा रहा है, कितने बजे खत्म होगा इसकी पूरी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ में सभी किसान, सभी रोजगार, सभी मजदूरों को सीधे सीधे बैंक अकाउंट में 11,000 रुपए मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनकर पूरी तरीके से आप चौंक जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा। कुछ रिसर्च के बाद पता चला है कोरोना वायरस कोई भी बीमारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, खबरें आ रही है कि कोरोना वायरस को चीन के लैब में तैयार किया गया था पूरी दुनिया को परेशान करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सुना है, जिस बीमारी से पूरी दुनिया जूझ रही है उसे चीन ने तैयार किया है, इस तरीके से पूरी बड़ी खबरें आ रही है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी जानकारी सबसे पहले हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, चीन ने पूरी तरीके से कोरोना पर काबू कर लिया है, कल वहां एक भी नए केस नहीं आए हैं, साथ में ना ही किसी की मौत हुई है। तो इससे पूरी तरीके से साबित होता है चीन ने इस वायरस को खुद ही तैयार किया था। यहां पर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, चीन ने पूरी तरीके से इस वायरस को तैयार किया है, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद यह जानकारी सामने आ रही है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, देश दुनिया को परेशान करने के लिए यह चीन की नई चाल थी। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, भारत सरकार ने बहुत सारे बड़े फैसले लिए हैं। पहले फैसले की अगर बात की जाए तो आप सभी का फैसला है कर्फ्यू से जुड़ा हुआ, जो कि खत्म होने जा रहा है। साथ में आप सभी को बता दें, किस जगह पर कब तक कर्फ्यू खत्म किया जाएगा, इसकी पूरी की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर दूसरे फैसले की बात की जाए तो सभी किसान, सभी बेरोजगार, सभी मजदूरों को सीधे 11,000 रुपए बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। आपके पास बैंक अकाउंट है या फिर नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में आप सभी को बता दें, अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, घर आपको जाना है और आप घर से निकल नहीं पा रहे हैं कर्फ्यू की वजह से, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ में अपना मोबाइल नंबर दीजिए और बताइए हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हो सकता है हम आप सभी की थोड़ी बहुत मदद कर सकें। लेकिन इससे वास्तव में आप सभी को बता दें, यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, वायरस की वजह से भारत सरकार ने इससे पहले भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। अगर पहले योजनाओं की बात की जाए तो आप सभी को पता है भारत सरकार ने राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने बताया था सभी को 5-5 किलो अनाज ज्यादा मिलने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने बताया था हर एक वो चीज मिलेगी जिसकी आपको जरूरत हो। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि सभी पेंशन वालों को 500 रुपए बढ़ाकर सीधे उनके 3 महीने की किस्त अप्रैल के पहले सप्ताह में उनके अकाउंट में डाल दी जाएगी, जिसमें अभी 3-4 दिन बचा हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, यहाँ पर भारत सरकार ने इसके बाद और बहुत सारी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर दिया है, जिसका लाभ सीधे सीधे आप सभी को मिलने वाला है। अगर पहली योजना की बात की जाए तो भारत सरकार ने बताया सभी के बैंक अकाउंट में सीधे सीधे हम 11,000 रुपए डालेंगे, किसी का भी बैंक अकाउंट नहीं छूटेगा। लेकिन कैसे आपको 11,000 रुपए मिलेंगे, कहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना होगा, इसकी पूरी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को दबा लीजिए, जिससे आपसे कोई भी अपडेट छूटने न पाए। साथ में भारत सरकार ने RBI को आदेश दिया था कि 3 महीने तक किसी से भी EMI न ली जाए। उन्होंने पूरी तरीके से बताया था आपको EMI 3 महीने तक नहीं देनी होगी। आर्थिक स्थिति को देखते हुए, भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने बहुत सारे बड़े फैसले लिए हैं, जिसका लाभ सीधे सीधे किसानों को मिल रहा है, मजदूरों को मिल रहा है, और साथ में आप सभी को बता दें इसका पूरी तरीके से हर एक भारतवासी को लाभ भी दिया जा रहा है। महंगाई भत्ता भी 5% बढ़ा दिया गया था कुछ दिनों पहले। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर आ चुकी है कि पूरी तरीके से कर्फ्यू खत्म होने वाला है, तो इसकी पूरी की पूरी जानकारी आप को हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आखिरकार किस जगह पर कब तक कर्फ्यू खत्म किया जाएगा, कितने बजे के बाद आप घर से बाहर निकल सकते हैं, आपकी जिंदगी सामान्य हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप सभी के लिए वीडियो बनाई गई है जिससे आप सभी को पूरी तरीके से सही जानकारी मिल जाए। और अगर हाँ, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से बताया है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो सीधे सीधे आप सभी के घर पर सामान भिजवाया जाएगा, इस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन हो सकता है अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कर्फ्यू खत्म होने जा रहा है। साथ में
आप सभी को बता दें कल कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले केरल में आए हुए थे, जहां पर टोटल 34 मामले आए हुए हैं और ये रोग बहुत तेजी के साथ केरल में बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके हालात पूरी तरीके से ठीक हैं और कर्फ्यू खत्म होने का टाइम भी आ चुका है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और यहाँ पर जो शेयर बटन का ऑप्शन है नीचे आप देख रहे होंगे, शेयर बटन पर दबाकर आपको फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे सभी तरीके से सभी को अच्छी जानकारियां मिल सके। आज की बड़ी खबरें उनको भी पता चल चुकी है, आखिरकार भारत सरकार ने क्या ऐलान किया है, कोरोना वायरस को लेकर क्या बड़ी खबर है, साथ में कर्फ्यू कब खत्म किया जाएगा, इसको लेकर वो भी अपडेट हो सके। अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक 11,000 रुपए नहीं आए हैं, आप एक किसान है या फिर एक बेरोजगार है या फिर एक मजदूर है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला है, मैं इस राज्य से हूं, तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा आखिरकार आप सभी को पैसा किस दिन तक मिल जाएगा। साथ में अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, आपको घर जाना है, कोई साधन नहीं मिल रहा है, ट्रेन और बसें नहीं मिल रही हैं, तब भी आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि सारी की सारी जानकारी हम आप सभी को पहुंचाएंगे और सारा लाभ भी आप सभी को दिलवाएंगे। साथ में ही आप सभी को बता दें, भारत सरकार ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया, जैसा कि आप सभी को पता है, सीधे सीधे 500 रुपए आने वाले हैं, यानी कि सभी भारत की महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे सीधे 500 रुपए आएंगे। ये भारत सरकार ने पूरी तरीके से बता दिया, कब तक आएंगे, अभी तक आपको मिला है या फिर नहीं मिला है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ही अगर बात करें तो आप सभी को पूरी तरीके से पता चल गया है, कोरोना वायरस कोई भी बीमारी नहीं थी, इसे चीन के लैब में तैयार किया गया था। आज के रिसर्च के बाद ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है, चीन ने पूरी दुनिया पर राज करने के लिए, सबकी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ये बड़ा कदम उठाया था। तो चीन के ये चालाकी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए, कितना गुस्सा आ रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में आप सभी को बता दें, चीन ने पूरी तरीके से दुनिया को बेखौफ कर दिया था, जहां पूरी दुनिया इस लड़ाई से जूझ रही है, इस वायरस से जूझ रही है, वहीं पर चीन पे हालात सुधर चुके हैं, कर्फ्यू खत्म किया जा चुका है। साथ में आप सभी को बता दें, चीन पूरी तरीके से सामान्य हो चुका है, सभी कंपनियां चल चुकी हैं, सभी रोजगार उनके चालू हो चुके हैं, इस तरीके से पूरी तरीके से चीन सामान्य हो चुका है। लेकिन भारत, इटली, अमेरिका के साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इस बीमारी ने पूरी तरीके से कोहराम मचाया हुआ है। साथ में यहां पर बेंगलोर से एक बड़ी खबर आ रही है, पूरी तरीके से डॉक्टर राव ने बताया कि एक हफ्ते के अंदर कोरोना वायरस के रिजल्ट आप सभी के सामने होंगे, हम पूरी तरीके से इसका इलाज ढूंढ लेंगे, हालांकि वैक्सीन बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम इलाज पूरी तरीके से रोक लेंगे, साथ में संक्रमण को हम पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से खबरें आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ में ही आप सभी को बता दें, भारत सरकार ने सभी किसान, सभी बेरोजगार, सभी मजदूरों को 10,000 रुपए देने का वादा किया है। उन्होंने बताया है आपको सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट में 11,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए भेज दिए जाएंगे, क्योंकि आप सभी का जो बेरोजगारी भत्ता है, इतने दिन का नुकसान हुआ है, उसका पूरा का पूरा खर्चा हम झेलने वाले हैं। इस तरीके से भारत सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसको सुनकर आप खुशी से झूम उठे होंगे। साथ में आप सभी को बता दें, आप सभी के कर्फ्यू को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। कर्फ्यू की सारी खबर देने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो फिर से एक बार निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल की घंटी को दबा लीजिए, नहीं तो आपसे बहुत सारी अपडेट मिस हो जाएंगी, कोई भी जानकारी आएगी तो आपको पता नहीं चलेगी, इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबा लीजिए। चलिए बात करेंगे आखिरकार कर्फ्यू कब तक खत्म होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, महाराष्ट्र केरल में बहुत ही तेजी के साथ कोरोना वायरस आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर तो कर्फ्यू खत्म होने का कोई भी हालात नहीं है। साथ में आप सभी को बता दें, यहाँ पर डॉक्टर राव ने बताया कि एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आप सभी के सामने होगा, 5-6 दिन के अंदर रिजल्ट आप सभी के सामने होगा, तो हो सकता है 5-6 दिन में अगर पूरी तरीके से कोरोना वायरस पर काबू मिल जाता है, तो पूरी तरीके से 5-6 दिन बाद आप सभी का कर्फ्यू खत्म कर दिया जाएगा। यूपी में अभी तक हालात ठीक है, पूरी तरीके से यूपी सरकार ने पूरी तरीके से बताया, अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत है तो सीधे घर पे आप सभी को सामान भिजवाया जाएगा, और यूपी में सबसे पहले कर्फ्यू खत्म होने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप सभी को बता दें, सबसे ज़्यादा जनता भी यूपी में है और यूपी में सबसे पहले कर्फ्यू खत्म होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये संक्रमण पूरी तरीके से फैला नहीं है। आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर कर्फ्यू को पूरी तरीके से भारत में खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर और दवा के लेकर, इससे पूरी तरीके से साफ है, आने वाले 3 से 4 दिनों में अब इसका इलाज पूरी तरीके से मिल जाएगा, और जैसे ही इलाज मिलता है पूरी तरीके से लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, ये भारत सरकार का कहना है। और 14 अप्रैल का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो 14 अप्रैल का आप इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, अगर जैसे ही इसका इलाज मिलता है, थोड़ा सा संक्रमण रुकता है, तुरंत के तुरंत आप सभी का लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, यह भारत सरकार का कहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ में ही आप सभी को बता दें, भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसका लाभ सीधे सीधे किसान, बेरोजगार और मजदूरों को दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, आपको 3 महीने तक फ्री में सिलेंडर मिलने वाला है। गैस सिलेंडर अगर आप लेते थे 800 रुपए 900 रुपए आपको देने पड़ते थे, अब सीधे आप अपना गैस सिलेंडर उठाइए, अपनी किताब उठाइए और सीधे भरवाने पहुंच जाइए, सीधे आप सभी को फ्री
फ्री में गैस दिया जाएगा। इसके लिए ना तो कोई आपको आवेदन करना है, ना ही आपको 11,000 रुपए के लिए कोई आवेदन करना है, सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले योजनाएं चलाई जाती थी, लाभ किसानों को नहीं मिलता था, बीच में ही रुपए खत्म हो जाते थे। लेकिन अभी भारत सरकार ने फैसला किया है कि सारी की सारी योजनाओं का लाभ हम सीधे सीधे सभी को पहुंचा देंगे, बीच में किसी को आने की कोई भी जरूरत नहीं है। सभी के बैंक अकाउंट में सीधे सीधे 11,000 रुपए डाल दिए जाएंगे। सभी जाकर आसानी से अपना गैस भरवा सकते हैं, कहीं भी किसी को आने जाने की जरूरत नहीं, ना ही कोई फॉर्म भरने की जरूरत है।